हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है। एंड कैसे हो आप लोग? सॉरी, आज मैं थोड़ा सा थका हुआ लगूंगा या फिर मेरा बात करने का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज आज थोड़ा सा मैं अंडर द वेदर हूँ, थोड़ा सा कमज़ोर फील कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो तो मैं बना के रखूँगा। सो आज का टॉपिक ये है कि अगर आप एक विला लेते हो तो कौन से रियलिस्टिक गोल्स आपके पास होने चाहिए स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में। अगर आप एकदम ही नए हो तो ये चीज़ें अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे, अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे एंड अगर वो एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं होता है तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डिसअपॉइंट हो, बिकॉज इनिशियली जब मैंने अपना विला रेंटल बिजनेस चालू किया था, आई हैव स्टार्टेड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, तो वही चीज़ है। लेकिन बिकॉज मेरे एक्सपेक्टेशन हाई नहीं थे, मुझे जो कुछ भी मिल रहा था मैं उसमें खुश था, एंड दैट केप्ट इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। उसके बाद क्या हो गया कि जब मैंने स्टार्टेड यू नो टीचिंग पीपल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आई हैव नोटिस कि लोगों के कभी कभी मे बी 10% ऑफ द टाइम फर्स्ट महीना डिफिकल्ट जाता है। उनके एक्सपेक्टेशन पहले महीने में बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी मीट नहीं होते, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ये बात करूँ कि आपके एक्सपेक्टेशंस की क्या क्या होने चाहिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए, आपको ये लेके चलना है मान के। तो पहला पॉइंट है मार्केटिंग एक्सपेंस। आपको ये मान के ही चलना है कि इनिशियली आपका मार्केटिंग में खर्चा होना ही है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिजिकल मीडिया हो, तो आपका थोड़ा बहुत उसमें एक्सपेंस होना ही होना है। तो आपको दिमाग में लेके चलना है कि इनिशियली ऑफ द फर्स्ट मंथ आपको थोड़ा बहुत जो आपने रेंट और आपने फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का एडवांस उनको जो विला ओनर है उनको दिया है, तो उसको पकड़ के आपका एक मार्केटिंग एक्सपेंस होना ही होना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ जो पहला महीना होता है, चालू होता है, वो फर्स्ट मंथ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाता है मेरे हिसाब से, कभी कभी वो भी। वाई? बिकॉज आपका नाम नया होता है, एजेंट लोग आपको जानते नहीं है। तीसरी बात है कि आप जो फोटोग्राफ निकालते हो वो ऑनलाइन डालते हो, तो नई नया कुछ रिव्यूज़ नहीं होते हैं, लोगों जानते नहीं हैं, तो इनिशियली थोड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों के लिए कि यार मैं ये विला इज़ दिस पर्सन ट्रूथफुल और ये क्या फ्रॉड है। लोग बहुत ही आसानी से यार यू नो डरते हैं उससे, इसके वजह से वो शक करते हैं। तो आपको दिमाग में लेके चलना है कि पहला महीना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लोग आपके साथ बार बार कोऑर्डिनेट करेंगे या फिर बुकिंग कैंसिल हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज़ एजेंट्स। कभी कभी आई प्रेफर वर्किंग विद एजेंट्स, लेकिन एजेंट्स कभी कभी आप पे भरोसा नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास अच्छे खासे रिव्यूज़ हो, बहुत सारे लोग आपके पास आके चले गए हैं, एंड उसके बाद ही एजेंट लोग शायद आपके साथ डील करेंगे। वाई? बिकॉज़ एजेंट यूजुअली विला पे नहीं आते हैं, वो फ़ोन पर ही बात करते हैं। जो अच्छे एजेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली आते हैं, लेकिन आई वुड से 75 to 80% ऑफ द टाइम एजेंट लोग नहीं आते। वो कहीं ना कहीं से कॉन्टैक्ट लेते हैं, वो एज ए मीडिएटर बनते हैं एंड वो पैसे कलेक्ट करके आपको देते हैं और वहाँ से क्लाइंट को आपके विला पे भेजते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि विला अच्छा होना चाहिए, यू नो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगर आपका विला नया है तो मे बी आपको थोड़ा बहुत कन्विंस करना पड़ेगा एजेंट को कि आपके पास वो आए, वो सारा चीज़ों को देखे, एंड उसके बाद यू शुड ट्राई एंड यू नो पुश द प्रॉपर्टी अहेड। लेकिन इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यू कैन ऑलवेज टेल द एजेंट कि उनके पास छोटे वाले बुकिंग्स होते हैं, यू शुड दे कैन स्टार्ट वर्किंग विद दैट बुकिंग्स। फोर्थ पॉइंट इज़ पीपल विल क्वेश्चन योर विला। इसका मतलब क्या है कि पहले महीने में जैसे मैंने कहा कि आपका ना यू नो डिजिटल प्रेजेंस इतना बड़ा है या आपका फिजिकल प्रेजेंस इतना बड़ा है कि आप मार्केट में नए आए हो, लोग आपको जानते नहीं, ना आपके रिव्यूज़ है, द ओनली थिंग वॉट यू हैव इज़ योर वोकल पावर। आप लोगों के साथ बात कैसे करते हो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। इनिशियली 10 में से आई वुड से कि 2 लोग ही आपके साथ डील करेंगे, उसमें से एक बंदा बोलेगा कि मैं आके पूरा पैसा दूंगा, मुझे आपके पे यकीन नहीं है। तो ऐसा थोड़े से चीज़ें होती रहती है, यू हैव टू यू नो गो अहेड विद इट, एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनिशियल महीने में लोगों को कन्विंस करने के लिए। इसीलिए मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि लोगों को अगर विला रेंटल बिजनेस चालू करना है, प्लीज़ कम यू नो विथ मी, मेरे से बात कीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल कंसल्ट यू कैसे क्या होता है। एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा यू नो वार्म इंक्वायरीज आते हैं, आई कैन गिव देम टू यू, बिकॉज मेरी एक क्रेडिबिलिटी हो जाती है। आई एम गिविंग यू माई क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको एक बिजनेस लेके आ रहा हूँ जहाँ पे, एंड डेफिनेटली बिकॉज मी एंड माई टीम वी हैव बीन इन द मार्केट इन द वेरी लॉन्ग टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का लिस्ट है। आई वुड से कि वी हैव केटर टू मोर देन 10,000 पीपल सिंस आर इंसेप्शन। सो वो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे लिए भी, हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर वी कैन डेफिनेटली गिव यू क्लाइंट्स। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ सीजन जो होता है
वो कभी कभी आपको डिफिकल्ट जा सकता है ना. ऑफ सीजन में भी मैं बिजनेस करता हूँ एंड टच वुड विद गॉड्स ग्रेस मैं और मेरी टीम अच्छा खासा बिजनेस करते हैं. लेकिन अगर आप नया विला लेते हैं, आई वुड से कि जब भी आप कोई विला लेते हो, 1 या 2 मंथ्स प्रायर द सीजन टाइम आप लीजिएगा. 1 मंथ इज़ द बेस्ट टाइम, 2 मंथ्स थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. तो क्या होता है कि जो सीजन में लोग आपके साथ आते हैं वही आपके ऑफ सीजन में भी आपके क्लाइंटल बन जाते हैं. लेकिन जो ऑलरेडी जब डिमांड कम है ऑफ सीजन में एंड तभी आप विला लेते हो, देन बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू यू नो बुक एवरी सिंगल डे. तो थोड़ा सा वो अगर एक्सपेक्टेशन अगर आप मैनेज करके चलेंगे, आपके रियलिस्टिक गोल्स बन जाएंगे, देन विला रेंटल बिजनेस बहुत ही आसान सफर होगा. एंड मैं आई वुड बी वेरी एक्साइटेड टू इवन हेल्प यू आउट विद इट. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव. इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ. पीस.